लड़कियों को शिक्षा शुरू से ही दी जाने पे जोर दिया गया और यहाँ पे पढ़ाई के लिए उनको आगे बढ़ाया गया। पहली जो डीएवी मतलब जो स्थापना हुई थी वो लाहौर में हुई थी और इसकी भी यहाँ पे लखनऊ में 1919 में हुई थी। और ये 100 साल पूरा होना सबसे बड़ा प्रमाण है, जो बोलते हैं ना सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं, आज इतनी बड़ी वर्षगांठ मनाई जा रही है। और जो शिक्षा का लेवल ऊपर गया है, दादागिरी कम होकर पढ़ाई की तरफ है, वो बहुत अच्छी चीज है। लड़कियों की पढ़ाई के लिए मतलब फीस को कम किया गया है, इसमें कोई धर्म की शिक्षा नहीं होती, हर जाति के हर पंथ है, हर मजहब के विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो पुरानी यादें ताजा हो गई, यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा। दासी मेरी आन है, शान है, ईमान है। लखनऊ का ऐतिहासिक डीएवी डिग्री कॉलेज यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज आज अपना शताब्दी समारोह मना रहा है। वैसे तो इस कॉलेज के 100 साल 3 साल पहले ही पूरे हो चुके थे, लेकिन कोविड के चलते शताब्दी समारोह का आयोजन नहीं किया जा सका, लिहाजा आज इसके शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि ये समारोह अब पूरे साल ही चलेगा। इस मौके पर लखनऊ शहर के गणमान्य राजनीतिक व गैर राजनीतिक हस्तियाँ शामिल रहीं। इस कार्यक्रम में वैसे तो कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें बटोरी विद्यालय में पढ़ने वाली छोटी छोटी बच्चियों ने। दरअसल महिला सशक्तिकरण को लेकर छोटी बच्चियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए तलवारबाजी के गुर सिखाए गए। इस दौरान जिस शौर्य और आत्मविश्वास के साथ बच्चियों ने तलवार थामे कर्तव्य दिखाए वो बेशक काबिले तारीफ थे। दरअसल इसका उद्देश्य था बच्चियों के अंदर आत्मरक्षा का भाव पैदा करना, जो ये बताता है कि कॉलेज प्रशासन महिला सशक्तिकरण को लेकर कितना सजग है। बहरहाल इस दौरान शांभवी गुप्ता आर्या और ब्रह्मा गुप्ता आर्या ने कमाल की प्रस्तुति दी। दोनों बहन भाई की उम्र तो काफी कम थी, लेकिन उनका जुनून देखने लायक था। मंच पर से ही दोनों ने अपने सिंगिंग टैलेंट को तो दिखाया ही, बल्कि भाई ने पियानो और बहन ने डफली बजाकर भी समारोह में 4 चांद लगा दिए। खैर आज के कार्यक्रम को लेकर कॉलेज के प्रबंधक मनमोहन तिवारी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये भी कॉलेज लखनऊ का शताब्दी समारोह का यज्ञ के साथ शुभारंभ हुआ। डीएवी कॉलेज लखनऊ को 102 वर्ष स्थापित हुए, लेकिन कोरोना के कारण विद्यालय का 100 साल का कार्यक्रम हम लोग नहीं मना सके, उसका शुभारंभ अब हम कर रहे हैं। डीएवी कॉलेज का 100 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है वो ऐतिहासिक रहा है। ये कार्यक्रम वर्ष भर चलेगा, हर महीने एक कार्यक्रम हुआ करेंगे, जिसमें शिक्षकों का, बच्चों का खेल कूद, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन आदि समारोह जो है हर महीने एक नए कार्यक्रम होते रहेंगे। मैं आप सभी का विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे इस समारोह में भाग लेने की कृपा की और हमारी न्यूज को जन जन तक पहुँचाने की कृपा करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आपका सहयोग वर्ष भर मिलता रहेगा। इन शब्दों के साथ पुनः आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं इस दौरान हमें एक बुजुर्ग भी दिखाई दिए, जो कि इस कॉलेज के पुराने छात्र रहे हैं। उन्होंने उस वक्त और आज के दौर में कॉलेज में आए बदलाव को लेकर कई बातें की। तो यहाँ हम डीएवीपी कॉलेज में आए और यहाँ हमें पुराने छात्र मिले हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ क्या कुछ बदलाव आया है तीनों में। सर हम आपसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। डॉक्टर अजीत सुनाय। आप कब से यहाँ, मतलब कौन से साल में आप यहाँ पर पढ़ते थे? 1953 में एडमिशन लिया था, पढ़ाई की शुरुआत यहाँ से की, उधर की तरफ बाल विद्या क्या बोलते थे प्राइमरी शिक्षा शुरू किया था। 64 में हाई स्कूल करा, फिर यहीं से इंटर करा ग्रेजुएशन, फिर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट था, फिर मैं एम्स दिल्ली में था 6-7 साल, फिर जिपमेर पौंडीचेरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का मेडिकल इंस्टीट्यूशन पौंडीचेरी, तो वहाँ पे था 30 साल करीब, रिटायर होके यहाँ 2015 में फिर लखनऊ में हूँ, पास में रहता हूँ, यही डीएवी कॉलेज के
प्रांग में टहलता हूँ और 7 साल रिटायरमेंट में करीब 73 का हो रहा हूँ, तो पुरानी यादें ताजा हो गई। यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके और ये जो देख के। क्या लगता है कि 1953 से जब से आप पढ़ रहे हैं उसके बाद आज 2022 है, क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं? चेंजेस सारे बिल्डिंग तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि वही है, लेकिन जितना ये नया डिग्री कॉलेज बन गया और कुछ इम्प्रूवमेंट आज यहाँ पे हमने देखा, व्हाइट वॉश हुआ है फ्रंट तरफ, नहीं तो बिल्कुल वही का वही चल रहा है। बल्कि हम लोग के यहाँ एक बागवान होता था, आम का हवन होता था, वो सब अब गड्ढे में परिवर्तित हो गया है। लेकिन हमको लगता है कि निकट भविष्य में मनमोहन तिवारी जी के लीडरशिप में फिर से पुनः जागरण होगा। मतलब आप मानते हैं कि पहले जो कॉलेज का वातावरण था, जो माहौल था, वो ज्यादा अच्छा था आपके मुताबिक? अच्छा तो नहीं था पहले, हम लोगों की दादागिरी यहाँ ज्यादा थी, खास करके बड़े क्लासेस में। अभी तो बहुत अच्छा कॉलेज हो गया है, को एजुकेशन हो गया है और डिग्री तक पहुंच गया सारे यहाँ पे, LLB प्लस बहुत से पोस्ट ग्रेजुएशन भी है यहाँ पे, हमें जहाँ तक मालूम है। तो उस हिसाब से बहुत तरक्की करी है, लेकिन बिल्डिंग विल्डिंग की जैसे हम जाता है, हमारे पीछे जो बिल्डिंग है बिल्कुल वही वही बनता है, बल्कि व्हाइट वॉश भी इसका नहीं हुआ है। उधर की तरफ जो विंग थी वो भी वैसे ही वैसे है, और जो हमारा पुराना प्राथमिक शिक्षा वाला था वो भी ऑलमोस्ट, बट नया नवीन जो ये जितने भवन बने हैं ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जो शिक्षा का लेवल ऊपर गया है, दादागिरी कम होकर पढ़ाई की तरफ है, वो बहुत अच्छी चीज है। हमने कॉलेज में पढ़ रहे मौजूदा छात्र छात्राओं से भी बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए अब आपको वो सुनाते हैं। कॉलेज में आज फंक्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? जी मैं बताना चाहूंगा, हम लोग कॉलेज जैसे लखनऊ में और बहुत से कॉलेज है गवर्नमेंट, उसमें हम लोग सबसे पुराना कॉलेज है, सबसे पुराना है। कब तामीर हुई थी इस कॉलेज की? तामीर हुई थी 1970 में, पहला हुआ था तो ये बस इनसे 8 तक हुआ था, स्टार्टिंग हुई थी। अच्छा, इसकी ब्रांचें ऑल ओवर इंडिया है, प्लस सुना था लाहौर से इसकी शुरुआत हुई थी, पाकिस्तान से। असल इसके स्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं और पहली जो डीएवी मतलब जो स्थापना हुई थी वो लाहौर में हुई थी। अच्छा। और इसकी भी यहाँ पे लखनऊ में 1919 में हुई थी। मतलब तो बात करें अगर लाहौर के कॉलेज की, तो क्या लग रहा है वहाँ, कुछ चल रहा है अभी कि वो हमेशा मतलब? असल में वो तो पार्टीशन का टाइम उस साइड चला गया, तो हमें उसका नहीं पता आइडिया उसमें। अच्छा। लेकिन जानने की कोशिश नहीं की कभी, जानने की उसने की शायद, आई थिंक नाम चेंज हो गया, क्योंकि मैंने काफी चेक किया नेट पर भी, लेकिन वो नाम कभी नहीं आया डीएवी का। बाकी कुछ चीजें हैं जैसे महाराजा रणजीत सिंह वगैरह काफी फेमस थे वहाँ के राजा, तो सबके बारे में पता है, भगत सिंह है, उन सबके बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है, लेकिन बाकी डीएवी के बारे में नहीं पता चला। और बाकी ऑल ओवर क्या कहते हैं, इंडिया में जितने भी डीएवी कॉलेज है वो बहुत तरक्की करे, बहुत आगे हैं। आप चंडीगढ़ का डीएवी देख लीजिए, बहुत हाई कंपटीशन है, या फिर बनारस का डीएवी देख लीजिए, बहुत हाई कंपटीशन, वहाँ जल्दी एडमिशन नहीं होता। लखनऊ के डीएवी कॉलेज की बात करें तो ये चंडीगढ़ और बाकी जगह से कैसे अलग है? लखनऊ के डीएवी से बात करें तो अलग क्या है, अलग नहीं है, एक ही जैसे है, और उन्हें वही करिकुलम फॉलो किया जाता है जैसे बाकी कॉलेज में किया जाता है। ये है कि यहाँ पर जैसे ग्रेजुएशन 1948 में आया और LLB यहाँ पे 1972 में स्टार्ट किया गया। हाँ, ये टोटल हिस्ट्री है। 1990 में पहले यहाँ 12 तक मतलब स्टार्ट किया गया था, फिर उसके बाद 1948 में यहाँ ग्रेजुएशन आया BA BSc, और 1972 में यहाँ फिर LLB स्टार्ट हुआ। और यहाँ से जो हम लोग एलुमनाई हैं काफ़ी ऊँचे पद तक गए हैं, जैसे सूरज तिवारी जी जो हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं, 4 times रह चुके हैं, वो भी हम लोग एलुमनाई हैं। और ऐसे बहुत से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आज बहुत बड़े बड़े पद पे, और मतलब बार मेंबरशिप में भी है, और बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट्स भी है जो हम लोग एलुमनाई हैं। इसलिए क्या कहते हैं, जो DAV है इसलिए इतना मतलब बढ़िया है। क्या लगता है, क्या कैसा कॉलेज है, आप लोग यहीं पढ़ते हैं? जी कॉलेज बहुत बढ़िया है, हम लोग को आगे से इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ से आके। हम लोग पहले जहाँ पढ़ते थे उतना वो नहीं हो पाए, लेकिन यहाँ आने के बाद काफी हम लोग को प्रोग्रेस हुआ है, हर चीज में सहायता मिलती है कॉलेज से, हर चीज से मदद मिलती है। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो क्या लगता है, किस तरह की? सर यहाँ का शिक्षा व्यवस्था 1 number है, काफी अच्छा है। अगर कोई बच्चा है गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो यहाँ उसकी हर तरीके से मदद की जाती है। यहाँ पैसा अहमियत नहीं रखता है, यहाँ शिक्षा का महत्व। जी बाकी अदर एक्टिविटीज की बात करें तो? अदर एक्टिविटी में आप अगर एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, गेम टाइप क्रिकेट वगैरह कुछ भी, उसमें भी कॉलेज आपका सहयोग करता है, हर चीज में आपका सहयोग, कॉलेज का हम हर चीज में समर्थन करता है आपका। आपका क्या नाम है? उत्कर्ष पंडित नाम मेरा। क्या कहेंगे कॉलेज के बारे में? सर कॉलेज से बहुत बढ़िया है, हम लोग को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं कॉलेज से, स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत ज्यादा मतलब कि सबको इक्विपमेंट्स रहते हैं,
सर भी हैं, आते हैं फिजिकल एजुकेशन, तो कॉलेज एकदम मतलब कि अच्छा है। आपका नाम? मेरा नाम रोहित राजपूत है। कहेंगे क्या, बस पढ़ाई यहाँ पे बहुत ही अच्छी होती है कि भारी मात्रा में स्टूडेंट यहाँ आने चाहिए, हर चीज यहाँ मिलेगी बच्चों को, सुख सुविधा से लेकर खेल कूद सारी चीजें यहाँ पर, हमारे सारे टीचर सब बढ़िया है यहाँ पर, हमारे हर तरह का सारा चीज पढ़ाई लिखाई संबंधित हर चीज। आप? हमारा नाम दर्शन गुप्ता है। बढ़िया कॉलेज, बहुत बढ़िया है क्लास, यहाँ हर क्लासेस लगती है। जी जी यहाँ पढ़ाते, अरे ऐसे भी कॉलेज अच्छा है, यहाँ के स्टूडेंट भी और बाहर से भी पूछेंगे तो कॉलेज हमारा बहुत बढ़िया है, हर चीज की फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स से लेकर के हर चीज हमारे कॉलेज में मिलती है, लैब से लेकर ऑडिटोरियम तक सब हमारे कॉलेज में फैसिलिटीज है। बस हम यही करते हैं कि हमारे कॉलेज में इसी तरह बच्चे आते रहे अच्छे अच्छे, और उसको पढ़ाई अवेलेबल, हर चीज अवेलेबल यहाँ होती है हमारे कॉलेज में। जी हमारा नाम लवकुश जोशी है और हम लोग 2019 में यहाँ दाखिला लिए थे डीएवी कॉलेज में, और 2022 में हम लोग पास आउट हो चुके हैं, और हम लोगों ने LLB में एडमिशन लिया था, और हमारे कॉलेज से जब हम लोग पास आउट होकर यहाँ से हाई कोर्ट या कहीं भी जाते हैं तो हमारे डीएवी से बहुत से संबंधित लोग मिलते हैं जो अच्छी अच्छी पोजीशन पर हैं, और हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है कि हम इस कॉलेज से पास आउट हैं और इस जगह पे पहुंच रहे हैं। तो हमारे कॉलेज की जो एजुकेशन है बहुत काफ़ी अच्छी रही है, टीचरों के साथ, बच्चों के साथ, सीनियर्स के साथ, सभी के साथ बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर एकदम घर जैसा माहौल था, कभी ऑकवर्ड फील नहीं हुआ कॉलेज में आते हुए जाते हुए, शिक्षकों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रहा, और लॉकडाउन में भी हम लोगों की पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी क्योंकि 2019 बैच से हम लोग, मगर ऑनलाइन हम लोगों की शिक्षा चलती रही। बात करें अगर कॉलेज की लोकप्रियता की तो लखनऊ में उस लेवल की नहीं है लोकप्रियता, इसका क्या कारण समझते हैं आप? इसका कारण यही है कि लोग जो है इतना ज्यादा, बात करें अगर KKC वगैरह उधर बहुत ज्यादा मतलब, जी मगर डीएवी कॉलेज जो है लोकप्रियता कम नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कम है बाकी कॉलेजों से, बहुत अच्छी लोकप्रियता है। अगर लोकप्रियता ना होती आज इतना बड़ा हमारा 100 साल पूरे हो रहा है ये प्रोग्राम ना हो रहा होता, लोकप्रियता की वजह से यहाँ 100 साल तक ये टिका हुआ है, वैसे तो हमारे 103 साल हो गए पर कोरोना काल की वजह से अब प्रोग्राम हो रहा है, तो लोकप्रियता के मामले में डीएवी कॉलेज हमारा किसी से कम नहीं है इस लखनऊ क्षेत्र के अंदर, और बाकी और राज्यों में भी डीएवी कॉलेजेस है, वहाँ भी अच्छा है, वहाँ से भी बहुत लोग बाहर निकलते हैं, तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे हमारे कॉलेज का बहुत अच्छी लोकप्रियता है, लोग जुड़ते हैं यहाँ से, पास आउट होकर अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच, चाहे LLB का कोर्स हो, BA हो, MBA हो, कुछ भी हो, सब अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और ये 100 साल पूरा होना सबसे बड़ा प्रमाण है, जो बोलते हैं ना सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं, आज इतनी बड़ी वर्षगांठ मनाई जा रही है तो ये देख कर हमें लोग बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो हम इस वक्त कॉलेज परिसर में ही मौजूद है और हमने देखा कि कुछ छात्राएं भी थी जो तस्वीरें ले रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे बात किया जाए। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दीपांशी वर्मा है और मैं इस विद्यालय की छात्रा हूँ। क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? मेरा LLB फाइनल ईयर है यहाँ से। मतलब आपको कानून की अच्छी खासी? हाँ जी। तो हम पहले तो ये जानना चाहेंगे आज जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली आज ये हमारे विद्यालय का शताब्दी समारोह है जो 100 वर्ष पूरे कर चुका अपने कॉलेज की, क्योंकि इसकी जो स्थापना अगर हम देखें तो बहुत ही पहले जैसे कि शताब्दी समारोह बताया तो 100 ईयर्स हुई थी, जो कि बहुत ही एक छोटे से भवन के रूप में पहले हुई थी, गणेशगंज में ही लखनऊ का इलाका है। उसके बाद जैसे 1942 में इसका इंटरमीडिएट आर्यनगर में इसका स्थापित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे स्थापित हुआ था विधि संकाय जो जिसमें हम है लॉ का, तो उसकी स्थापना 1972 में हुई थी, जो कि आज भी हमारे प्रबंधक महोदय जी सर है मनमोहन तिवारी जी सर, उनके द्वारा हुआ था और वो तब से आज 50 वर्ष उनको भी हो गए है यहाँ कॉलेज का प्रबंधक का कार्य देखते हुए। अच्छा, नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण को यहाँ पर किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाता है इसके बारे में अगर कुछ बताएं? सबसे अच्छी बात तो ये है नारी सशक्तिकरण को लेकर अगर हम कहें कि हमारे यहाँ जैसे कि पहले विद्यालयों में लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे इस विद्यालय में दयानंद एंग्लो वैदिक महाविद्यालय में लड़कियों को शिक्षा शुरू से ही दी जाने पे जोर दिया गया और यहाँ पे पढ़ाई के लिए उनको आगे बढ़ाया गया। इसके साथ ही शिक्षा के साथ यहाँ पे अन्य कार्यों के लिए उनको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ NCC है, NSS है, टाइक्वांडो है, बहुत सारी गेम्स है जिसमें हमारे यहाँ की गर्ल्स पार्टिसिपेट करती है और उनको विभिन्न तरीके के बहुत टाइम पे शेड्यूल्स पे बनाए गए जिसमें उनको बहुत ही अलग अलग तरीके से डिफेंस से रिलेटेड आदि जो है प्रशिक्षण दिए जाते हैं। आरक्षण? हाँ, आरक्षण बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? लड़कियों की पढ़ाई के लिए मतलब फीस को कम किया गया है। पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम मंजू गौतम है और मैं भी LLB फाइनल ईयर फिफ्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा, क्या बता रही थी आरक्षण? जी मतलब कि लड़कियों की पढ़ाई के लिए जहाँ तक हम लोग का मतलब ज्ञान है कि लड़कियों की फीस में कम
कम की गई है लड़कों के मुकाबले जी। तो सबसे बड़ी बात तो यही है हम लोग के लिए लड़कियों। तो हमारे साथ एक सर नाम बताइए। बलजीत सिंह। बलजीत सिंह क्या कर रहे हैं आप यहाँ? जी मैं एलएलबी यहाँ से कर रहा हूँ। फिफ्थ सेमेस्टर। क्या कहना चाहेंगे आज कॉलेज का शताब्दी समारोह सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये शताब्दी समारोह सेलिब्रेट करा जा रहा है बहुत आज गर्व की बात हम लोगों के लिए है, खासकर हम लोग के लिए तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट जो हैं, क्योंकि ये समारोह ऐसा समारोह है जो किसी जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें देखा नहीं होगा, हम लोग देख रहे हैं तो हमारे बहुत गर्व की बात है। और दूसरी बात यह है कि डीएवी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोग को गर्व महसूस होता है, शिक्षा को लेकर हो गया, हर चीज़ को लेकर। और आने वाले समय में हो सकता है डीएवी में कई प्रकार के और योजना भी होंगे जरूर, मतलब अदर एक्टिविटीज के मामले में भी इस कॉलेज में अच्छा खासा इंतजाम होता है। हाँ जी बिल्कुल अच्छा सा इंतजाम है, खेल के माध्यम से हो गया, डीवी का जैसे यहाँ पे है, एलएलबी का हमारा है, बीए हो गया, शिक्षक छात्र सब बढ़िया से उनका काम चलता है जी। क्या नाम? नाम हमारा एलएलबी पश्चिम छात्र हूँ, और इस तरह के कार्यक्रम अगर चलते तो सांस्कृतिक रूप से और कल्चरल रूप से भी लोग जागरूक होते हैं और अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति और बहुत सारी चीजें जो समाज सुधार के चलाई गई, चाहे सरस्वती हो, राजा राम मोहन राय हो, तो अन्य लोगों के तो जो चीजें चलाई गई वो अनवरत चलती चली आ रही हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी इससे जागरूक होकर आने वाले अपने उम्र में आगे वाली पीढ़ियों को भी हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरह हम लोग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और समाज को विभिन्न पहलुओं पे हम लोग रोशन कर सकें। अच्छा आपने धर्म की बात की, तो क्या धर्म को लेकर एक खास धर्म को ही प्रोत्साहन दिया जाता है कि अदर हर तरह? खास धर्म को नहीं, सारे धर्म अपने कॉलेज का नाम कुछ ऐसा है दयानंद, और इसको लेकर दयानंद अखिलोपाध्याय की इसलिए काम है क्योंकि ये आर्य समाज से जुड़ा हुआ कॉलेज है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई ऐसे धर्म की शिक्षा नहीं होती, हर हर जात के, हर पंथ है, हर मजहब के विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो धर्म और हर धर्म में अपने कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अनवरत चलते आ रहे हैं। अब ये किसी खास धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी खास एक संप्रदाय से बिलोंग करता है जो एक अपनी एक मिशन लेके चल रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई बायकॉट नहीं किया जाता है, यहाँ पे चारों धर्म के बच्चे, पांचों धर्म के बच्चे पढ़ते हैं और सामान्यता शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। तो हमारे साथ छोटे बच्चे भी मौजूद है जिन्होंने इस समारोह में हिस्सा लिया, चलिए इनसे बात करते हैं। बेटा आपका नाम? ब्रह्म गुप्ता। क्या कहेंगे आप, कैसा लगा आपको? मुझे प्रशिक्षण लेके बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मैं अपनी आत्मरक्षा अपने आप ही कर सकता हूँ, कहीं भी जाकर मुझे, मैं वीक हूँ मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हम लोग अपने आप ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। अच्छा अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। कितने साल के हैं आप? 9 साल। अच्छा आपका नाम बेटा? शांभवी गुप्ता। अच्छा अच्छा कैसा लगा आपको प्रोग्राम, आज आप आई हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आत्मरक्षा अपने आप से खुद से कर सकती हूँ, और इसे इसमें मुझे वीक नहीं फील करना, जैसे कहीं भी जाते हैं अगर मुझे कोई भी, अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है या फिर जिस तरीके अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है तो हम उसको उसको ऐसे ऐसे लड़ सकते हैं। हाँ मैंने वो उसमें झांसी की रानी बनी थी उसमें, तो मैंने उसका डायलॉग याद किया, मैं आपको सुनाऊं। मैं झांसी की रानी, इस धरती माँ की बेटी हूँ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, झांसी मेरी आन है, शान है, ईमान है, मैं अभी से युद्ध ऐलान करती हूँ, हर हर महादेव, भारत माता की जय। तो देखा आपने बच्चों का, बड़ों से लेकर छोटे बच्चों का भी जोश बिल्कुल हाई है, और कुल मिलाकर यहाँ पर ये लोग पूरे जोश के साथ अपना शताब्दी समारोह बना रहे हैं। कैमरामैन तौहीद खान के साथ मैं शुभम वाल्मीकि, द भारत टीवी, लखनऊ।